मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी यूज इन आवर डेली लाइफ इन अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमराइट, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। टैमराइट मतलब हल्दी नहीं होती, टर्मरिक मतलब हल्दी होती है, और टैमराइट मतलब इमली होती है। ये आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, लार्ज नंबर के सब्सटेंस में ये सारी चीज़ें होती है, जैसे लेमन है, टैमराइड है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है। इसको आपने टेस्ट भी करा होगा, इनका जो टेस्ट होता है वो हमेशा सौर होता है, और सौर मतलब होता है खट्टा होता है। तो 5.1 एक्टिविटी में आपने जो सब्सटेंस लिख रखे हैं उसका टेस्ट सौर होता है कि बिटर होता है या फिर कोई अलग होता है, वो आपको इसमें यहाँ पर फिलअप करना है। 5.1 अपन देखते हैं, एसिड एंड बेसिस। कर्ड लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। आपने देखा होगा कि दही का, लेमन जूस का, ऑरेंज जूस का, विनेगर का, इन सब का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एसिडिक होते हैं, ये एसिड मिला होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक, इसका केमिकल नेचर भी एसिडिक होगा। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एशियार विच मीन्स सॉर। जो वर्ड है ये, इसका लैटिन वर्ड एशियार है, विच मीन्स इसका मतलब होता है खट्टा। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स, इसमें जो सब्सटेंस होता है, जो एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है। जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसिस। मतलब अधिकतर अपन ने देखा होगा कि जो सब्सटेंस मतलब बिटर होते हैं, बिटर मतलब कड़वा होता है, जो कड़वा होता है टेस्ट में, और जिसको हम मतलब टच करते हैं तो बिल्कुल सोपी टाइप होता है, वो अब बेसिस होता है। और द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड बी अ बेसिक, इसको हम बेसिक नेचर बोलते हैं। एसिड किसको बोलते हैं, जो खट्टा होता है, और जो बिटर होता है उनको हम बेसिस बोलते हैं। इनका जो नेचर होता है वो भी बेसिक होता है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसी का नेचर एसिडिक भी होता है और किसी का बेसिक होता है। दिस सब्सटेंस आर नॉन एज इंडिकेटर्स, ये जो सब्सटेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एसिड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस। जो इंडिकेटर होता है वो क्या, कलर क्या है, वो कलर को चेंज कर देता है। जैसे हम उसमें कोई सॉल्यूशन मिलाते हैं तो वो एसिडिक है या बेसिक है, वो सब्सटेंस को कलर को चेंज कर देता है। जैसे टर्मरिक है, तो टर्मरिक अगर हमारे किसी भी वाइट कपड़े पे लगेगी तो उस पर अगर जैसे हम पानी लगाएंगे या कुछ भी मिलाएंगे तो उसका जो कलर है वो रेड रेड होता है। तो मतलब ये सब कैसे होता है, क्योंकि वो सब्सटेंस जो होता है वो इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर सब्सटेंस जो होते हैं, जब हम उसको एसिडिक पे या बेसिक सब्सटेंस पे यूज़ करते हैं तो वो अपना कलर ऐड हो जाता है, मतलब उसमें जो कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे टर्मरिक का होता है, लिटमस का होता है, चाइना रोज पेटल्स जो होती हैं, ये सब क्या है, नेचुरली इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें एसिड्स के नेम दे रखे हैं जो किस में फाउंड होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है वो विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड है वो आंट स्टिंग में होता है। जैसे हमें जब कोई चींटी काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड एक रिलीज करती है जिसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जो साइट्रिक एसिड होता है वो साइट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन्स है। लैक्टिक एसिड है वो कर्ड में होता है, ऑक्जेलिक एसिड है वो स्पिंच में होता है। इसी तरीके से जो विटामिन सी है वो आंवला में, साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। 5.2 देखते हैं अपन, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। लिटमस अ नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमनली यूज अ नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो बहुत कॉमनली यूज होता है जो नेचुरल इंडिकेटर है वो क्या है, लिटमस है। इट इज़ एक्सक्रेटेड फ्रॉम लाइचन्स। लाइचन्स ये जो आपको ये पिक्चर दे रखी है लाइचन्स की है। इट हैज़ अ पर्पल कलर इज डिस्टिल्ड वाटर, ये जो है ये पर्पल कलर डिस्टिल्ड मतलब पर्पल कलर का वाटर रिलीज पर्पल कलर हो जाता है जब अपन इसको चेंज करते हैं। तो व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, जब हम इसका एसिडिक सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड। और जब हम इसे ऐड बेसिक सॉल्यूशन में करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। ये ध्यान रखना है कि जब अपन जब ऐड करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन तो ये इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। और जब अपन ऐड करेंगे बेसिक सॉल्यूशन तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर नॉन एज लिटमस पेपर।
जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अधिकतर ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर में होता है। ये इस तरीके से आपको पिक्चर में दे रखा है, लेचन्स एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताया। उसी की एक्टिविटी के न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर और आदर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो अपना कोई भी कलर नहीं छोड़ते, कोई भी कलर चेंज नहीं करते, वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, जो ना एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं। ये भी एक्टिविटी है टर्मरिक की। जैसे टर्मरिक मैंने आपको बताया था वाइट शर्ट पे लगाते हैं तो वो रेड कलर का कलर छोड़ता है। ये भी आपको यहाँ पर बताना है कि लेमन जूस है वो अगर टर्मरिक सॉल्यूशन से हम उसको इफेक्ट करेंगे तो वो कौन सा कलर छोड़ेगा, ऑरेंज जूस है तो वो कौन सा छोड़ेगा, विनेगर है तो वो कौन सा छोड़ेगा, है ना। तो ये आपको टेबल में बताना है। ये जो 5.3 है चाइना रोज एज इंडिकेटर है, तो इसमें बताया है कि जो चाइना रोज फ्लावर है वो इंडिकेटर, मतलब जैसे अपन इसमें देख रहे हैं एक एसिड है, एक ये बेस है और एक ये इंडिकेटर है। तो जैसे इसमें अपन ने चाइना रोज ये प्रिपेयर करा तो इसमें कौन कौन सा कलर उसने रिलीज़ करा, ये एक्टिविटी है, ठीक है। तो अपन इसको बाद में ध्यान देंगे, अभी आपके लिए एक्टिविटी काम की नहीं है। जब स्कूल खुलेंगे तो अपन एक्टिविटीज़ करके देखेंगे। ये 5.4 है, इसमें जैसे शैम्पू है तो उसका कौन सा कलर है और फाइनल कलर वो कौन सा रिलीज़ करता है, ये भी एक्टिविटी में है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस। आपने देखा है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस में चेंज होता है, ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है, और जो बेसिस होता है वो रेड से ब्लू में चेंज होता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्लैलेथीन। ये भी एक मतलब फिनोफ्लैलेथीन ये भी एक इंडिकेटर होता है, जिससे मतलब ये एक्टिविटी में बता रखा है आपको कि जो फिनोफ्लैलेथीन जो रिलीज़ होता है तो वो कौन सा कलर चेंज करता है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन में अपन एक्टिविटी देखेंगे तो जो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन मिलाते हैं, नाउ नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थेलिन का कलर कौन सा होता है, पिंक कलर का होता है ये। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड, अपन इसके 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे तो ये इसका क्या कलर चेंज होगा। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम बार बार इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो इसका जो कलर है वो कौन सा होगा, पिंक होगा, पिंक जस्ट अपीयर्स। नाउ एड वन मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। अगर अपन इसे बार बार ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालेंगे तो जो उसका सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका कोई कलर नहीं रहेगा। अगेन एड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इज देयर एनी चेंज इन कलर, दिस सॉल्यूशन बिकम्स पिंक इन कलर। उसके बाद वापस से अपन उसमें वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या इसका कलर चेंज हुआ, इट इज़ इविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोफ्थेलिन गिव्स अ पिंक कलर। जो फिनोफ्थेलिन होता है इसका जो कलर होता है वो पिंक होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो इट रिमेंस कलरलेस, ये कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑन ईच अदर। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. जो इसका acidic nature होगा और जो इसका base nature होगा वो दोनों ही destroyed हो जाएंगे। The resulting solution, इसका result क्या निकलता है कि ना तो ये acidic solution होगा और ना ये basic solution होगा। In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेसिस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस का जब हम इसे मिलाते हैं और जो उसका रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, सॉल्ट और वाटर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट के जरिए। एसिड प्लस बेस अगर मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर ही इसमें इन्वॉल्व होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा।
मतलब HCl मिला और NaOH मिला तो क्या बना, NaCl बना प्लस वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, तो ये मिला तो इसका जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, NaCl बना, ठीक है, और प्लस H2O वाटर की एडिट में। 5.4 में हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इन डाइजेशन अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो स्टमक है वो क्या कौन सा एसिड कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, इसकी हेल्प से हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। हैव लर्नड इन दिस चैप्टर टू, अपन ने चैप्टर टू में पढ़ा था, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इन डाइजेशन। अगर हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड होता है या फिर बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज होता है तो वो कॉजेस हो जाता है इनडाइजेशन का, हमारे हमको इनडाइजेशन हो जाता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभार क्या होता है जो इनडाइजेशन हमारे स्टमक में होता है वो कभी कभार पेनफुल भी होता है, मतलब हमारा पेट दर्द भी होता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड, अगर हमें ये चीज़ ठीक करनी है और हमारे जो एसिड है वो कम करना है जो हमारे इसमें बहुत ज़्यादा फैला है, तो हम क्या करेंगे, एंटासिड ले सकते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कंटेन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करेगा। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ये जो एक्सेसिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। आंट बाइट मतलब अगर हमें कोई चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी स्किन में रिलीज होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज, मतलब अगर हमें कोई चींटी काटे तो हमें साबुन से फटाफट उस जगह को धो लेना चाहिए, तो उससे क्या होगा जो हमारी ईचिंग होगी और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें क्या होगा उससे कम हो जाएगी। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का तो सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू इट, अगर सॉइल जो होता है वो बेसिक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर को एड कंपोस्ट ऐड करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या रिलीज़ करता है एसिड को। फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो वेस्ट होता है बहुत सारी फैक्ट्रीज में वो क्या कंटेन करता है, एसिड कंटेन करता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, जो ये एसिड होता है वो किल भी करता है फिश को या अदर ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में आपने बताया है, तो एसिड क्या होता है वो आपने देखा है और बेसिस क्या होता है वो भी देखा और सॉल्ट क्या होता है वो भी देखा है। सबसे पहले आपने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा है, फिर आपने इंडिकेटर्स पढ़ा है जो इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपने न्यूट्रलाइजेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये तो एक्टिविटीज़ हैं, और न्यूट्रलाइजेशन फिनोप्थेलिन का कलर कौन सा होता है ये पूछा जा सकता है, तो जो कि पिंक होता है। आंट बाइट में अगर हमें इचिंग की प्रॉब्लम हो रही तो हमें क्या करना चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इनडाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी में तो कौन सा एसिड उसमें रिलीज़ होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में तो कौन सा एसिड रिलीज़ होता है, हमें क्या एंटासिड लेनी चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ये याद होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।